हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी टू गुड। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यूनिक होंगे। एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैलाश सिविल इंजीनियर चैनल में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे नई वीडियो आपसे ना छूटे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ गुड स्टोन? मीन्स एक अच्छे पत्थर का जल अवशोषण कितना होता है, मतलब जो हमारा स्टोन होता है उसको वाटर एब्जॉर्प्शन, उसके बाई वेट कितना होता है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छे पत्थर का जल अवशोषण मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन 6% होता है। मीन्स अगर यदि हमारा पत्थर का वेट सपोज़ 100 ग्राम है, फ्रेंड्स अगर यदि हम उस 100 ग्राम स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद वेट मैक्सिमम 106 ग्राम होना चाहिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सीमेंट? तो फ्रेंड्स, सीमेंट का कलर होता है ग्रीनिश ग्रे। द कलर ऑफ सीमेंट इज़ ग्रीनिश ग्रे, जिसे हिंदी में हम हरा घूसर भी बोलते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड इन सीमेंट कंक्रीट? फ्रेंड्स, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड इन सीमेंट कंक्रीट शुड बी बिटवीन 6 to 8। फ्रेंड्स, जो हम सीमेंट कंक्रीट बनाने में वाटर यूज करते हैं उसकी पीएच वैल्यू 6 से 8 के बीच में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, 6 से कम और 8 से ज़्यादा इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि फ्रेंड्स पीएच वैल्यू 6 से कम होगी तो पानी हमारा अम्लीय होता चला जाता है, मीन्स एसिड होता चला जाता है। एंड फ्रेंड्स, 8 से ज़्यादा हो तो पानी हमारा क्षारीय होता चला जाता है, जिससे हमारे पानी में कुछ इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं, कुछ लेवल बढ़ जाते हैं जो पानी के पीएच मान को इफ़ेक्टिव करते हैं। फ्रेंड्स, इस इफेक्टन के कारण हमारे जो सीमेंट कंक्रीट में अगर यदि हम 6 पीएच वैल्यू 6 से कम का और 8 से ज़्यादा का वाटर यूज करेंगे तो हमारे कंक्रीट में एफ्लोरेंस आ जाता है। मींस जब हमारा कंक्रीट कास्ट कर देते हैं तो कुछ दिन बाद सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बाहर निकल आते हैं, मोस्टली आपने ब्रिक वर्क में देखा होगा। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है, कुछ दिन बाद वो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं और जिससे हमारी कंक्रीट या ब्रिक वर्क या प्लास्टर कुछ भी झड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर टाइम से बहुत पहले ही गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी यूज सी वाटर टू मेक सीमेंट कंक्रीट? मींस क्या हम समुद्री जल को कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, वी कैन नॉट यूज सी वाटर टू मेक सीमेंट कंक्रीट बिकॉज सी वाटर कंटेन्स मैनी टाइप ऑफ हार्मफुल साल्ट दैट वीकन सीमेंट कंक्रीट ओवर टाइम एंड ड्यू टू साल्ट सीमेंट कंक्रीट विल बी इफेक्टेड बाई एफ्लोरेंस टू विच अवर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर विल बी फिनिश इन शॉर्ट टाइम। मीन्स फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, हमारे समुद्री जल में बहुत सारे लवण मिले हुए होते हैं, जिससे यदि हम उस वाटर को सीमेंट कॉन्क्रीट बनाने में यूज करेंगे तो वही हमारा एफ्लोरेंस आ जाएगा, जैसे हम सोरा लगना कहते हैं, जो हमारे सफ़ेद सफ़ेदपन आ जाता है बाहर। तो फ्रेंड्स, उसके कारण हमारा स्ट्रक्चर टाइम से बहुत पहले ही ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ हमें पानी समुद्री पानी ही यूज़ करना होता है, दूसरे पानी की भी व्यवस्था नहीं होती, तो फ्रेंड्स ऐसी जगह पर हम कुछ एडमिक्चर यूज़ करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल के साथ उस वाटर को यूज़ करते हैं, और वो भी सिर्फ पीसीसी में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कंडीशन में हम आरसीसी में सी वाटर मींस समुद्री पानी यूज़ नहीं करते। फ्रेंड्स, आरसीसी में हम समुद्री पानी इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि हम यदि समुद्री पानी आरसीसी में यूज़ करेंगे तो हमारी रेनफोर्समेंट जो हम सरिया यूज़ करते हैं उसमें जंग लग जाती है और हमारा स्ट्रक्चर टाइम से पहले ही ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंडिया इन सीमेंट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? तो फ्रेंड्स, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, भारत दुनिया में सीमेंट प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर है। एंड फ्रेंड्स, चाइना फर्स्ट नंबर पर है, जो प्रोडक्शन में बहुत आगे है। जैसे कि फ्रेंड्स आप प्रोडक्शन चार्ट में देखेंगे, चाइना फर्स्ट नंबर पर है, जो 2200 मिलियन टन अप्रोक्स सीमेंट प्रोडक्शन करता है। एंड फ्रेंड्स, इंडिया दूसरे नंबर पर है, जो 297.56 मिलियन टन सीमेंट प्रोडक्शन करता है। तो फ्रेंड्स, डिफरेंस आप देख सकते हैं।
चाइना और इंडिया एंड वर्ल्ड अदर कंट्रीज़ में प्रोडक्शन में चाइना कितना आगे है और अदर देश कितने पीछे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इससे फिर तक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और नई वीडियो आपसे ना छूटे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।